अगले को भी तीन डब्बे बाद ही समझ में आया था। भाई जब इनडायरेक्टली बात चल रही है तो डायरेक्टली मुंह लगाने की जरूरत क्या है अपने को, एक लाइन में खत्म करो ना काम। क्या गफ्फार साहब किसके मैसेज आ रहे हैं? आराम से। 60 साल की उम्र खुद ने बताई, ऐसे में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनका टाइम टेबल होता है, अभी ये गोली खानी है, अभी वो गोली खानी होता है, ऐसा अक्सर हुआ करता है। लेकिन मित्रों अच्छा आप ये देखो, सब कभी भी कैसे, ये देखो सब, ये तो देखे सुनने से ज्यादा देखने लायक है। इसकी शक्ल देखो आप, नाम दिग्गज, वजन 42 किलो टोटल इसका, और इसकी शक्ल में आप शक्ल देखो, आंखों में करुणा का और दरिद्र का ऐसा स्थायी भाव है जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए हुआ। आदमी क्या है, रसीद बुक है, और मूछ के नाम पे ऐसा है जैसे किसी मजदूर ने तनख्वाह लेके अंगूठा लगा दिया हो। उज्जैन में रहता है, मैंने कहा एक बार पूछा किधर जा रहा है, बोले भाई साहब जिधर की हवा। अपने तो मर्जी से चलते ही नहीं, जिधर हवा चल रही है अपन भी निकल लेते हैं। कमाल के लोग हैं, एक से बढ़कर एक हैं। ये संजय झाला बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वेस्टेज कुछ नहीं होता। देखो हम जानते हैं, मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का आदमी हूँ, और हम इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारी टाइमिंग बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग जो चीज़ टाइम पे करते हैं वही कर सकते हैं, और हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं। आप सुनना अध्यक्ष महोदय, बहुत काम की चीज़ आपके जीवन में काम आएगी, मैं बता रहा हूँ आप। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं, ये मेरी टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई, और ये मशहूर क्या हुई, बचपन से हमने यही किया है। हम मारवाड़ी लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सबके सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। टाइमिंग बिस्किट, एक सेकंड जल्दी उठा लो कठोर का कठोर, एक सेकंड देरी कर दो ढूंढते रह जाओ। और फिर आदमी कितना ही बड़ा कारीगर क्यों नहीं, ढूंढता जरूर है, किधर गया यार ये। तो हम लोग वो हैं, हम लोग चांद पे चले जाए प्लॉट काट के बेच दे, हमारा तो कारोबार अलग है। अच्छा हमारे घर में कुछ वेस्ट होता है कि हमारे घर में हमें चीज साफ करनी हो तो हम आवाज क्या देते हैं लड़के को, गंदा कपड़ा दे। बोले क्यों, हमें टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से चीज साफ कर लेते हैं, घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए तो भाभी जी सब्जी बना लेते हैं। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट होता है क्या? आदमी का ब्रश टूटता है तो फेंकता थोड़ी है, उसे 3 साल तक नाड़ा डालेगा लेकिन फेंकेगा नहीं जिंदगी भर। और वेस्टेज तो हमारे यहाँ बर्दाश्त होता है नहीं। छाजर साहब आदमी कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों नहीं हो, इनके घर में टूथपेस्ट खत्म हो जब जाके देखो आदमी बेलन से 3 दिन का निकाल लेता। क्या बात है, वाह, एक से बढ़कर एक है हमारे यहाँ तो। ये दिनेश दिग्गज घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। है ये संजय झाला हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। मैंने कहा कुछ तो सोचा कर। लेकिन सबसे बड़ा वाला अब्दुल गफ्फार, आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करता। इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, इसने उंगली काट ली। अरे क्या बात है, शाम तक बैठा रहा साला, वेस्ट नहीं होना चाहिए। और हम वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम में, ये जो हम मारवाड़ी है सुनना, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। मैं दुनिया में जगह जगह जाकर, आप देखिए मैं इतने सारे देशों में जाता हूँ, अपने शोज के लिए पढ़ता हूँ, तारक मेहता करता हूँ, टेलीविजन में जितने शो करता हूँ सीना तान के कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, और आज नहीं 35 सालों से कह रहा हूँ, जब से इतना था कि मैं मारवाड़ी हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते जो हमारे भीतर। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, हमारा कोई मुकाबला कर सकता है? दुनिया में कोई माटी ऐसी पैदा नहीं हुई जो हमारा मुकाबला कर ले। दुनिया में अब ये इतने पूछो, इतने लंबे लंबे वाक्य बोलते हैं, हमारे से बुला, इनसे अब सुदीप भोला जबलपुर का, इसको पूछो तूने खाना खाया, नहीं भाई साहब रास्ते में लेट हो गया था, खाना नहीं खाया, ढाबा नहीं मिला, 3 किलोमीटर लंबा सेंटेंस। इससे पूछा खाना खाया तो अंग्रेजी में, नहीं भाई साहब आई डिड नॉट ईट फूड। पूछो मारवाड़ी से खाना खाया? खत्म। जब किच में काम चल रहा है तो पिच पिच क्यों कर रहा है आदमी? किच में
ये हमारी भाषा है, कोई मुकाबला कर सकता है हमारा? कोई दुनिया की कोई भाषा हमारा? हमारे मोहल्ले में एक ने कांच तोड़ दिया किसी की खिड़की का, तो जिसका कांच था वो बाहर आया और उसके बेटे जिसने को तोड़ा उसके बाप को बोला गया, क्या करते है तुम्हारे बेटे ने कांच तोड़ दिया? बोले और तो घेर लो है। अरे बोले तो फिर खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? बोले इतो घेर लो थोड़ी। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अब बताओ क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? किसका बाप हमारा मुकाबला कर ही नहीं, उस रात पैदा नहीं हुए हम। हमारे जोधपुर में मैंने एक ये आया सुदीप बोला आया, मैंने कहा तूने जीवन में कहावत सुनी होगी माँ का दूध, मैंने कहा मारवाड़ में आ तुझे नई कहावत बताता हूँ बाप का दूध। बोले कैसे? मैंने कहा तू आ तो सही जोधपुर आया ये, वहाँ एक हमारे दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा वहाँ जा एक गिलास दूध पी और बगैर पैसे दे के भाग जा। इसने दूध पिया बगैर पैसे दिए भाग गया, पीछे से दुकान वाला थारा बाप रो दूध है। अरे अरे क्या हाँ। मैंने इनको कहा हम गाली भी इतने प्यार से देते हैं किसी के बाप को पता नहीं चले। लड़का क्लास में होमवर्क करके नहीं लाया, इससे शिक्षा मत लेना, गलत बात की शिक्षा मत लेना, हमारे वहां ऐसा था, ऐसी शिक्षा मैं नहीं देना चाहता। क्लास में होमवर्क करके लाया नहीं तो टीचर ने पूछा क्यों नहीं लाया? अरे सागर रात रात आपने पिताजी मारे सपना में आया और मन कहो कि मत ले जाइए मैं हमारे बेटा ने समझा दूं। मास्टर ने कहा मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए और बोला नहीं करके लावे तो देना दो। अब छोरे ने जो गाली मारवाड़ी में दी मास्टर आज तक नहीं समझ पाया, बोले सा आपरे सपना में आपरा बाप कई बात करे मारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीन है सा आपरा बाप। अरे क्या। अब ये जो भाषा ही सौंदर्य है, ये भाषा ही सौंदर्य कहीं पैदा ही नहीं हो सकता, ये हम लोग ही कर सकते हैं। देखिए ये जो आनंद है वो आनंद कहीं हो ही नहीं सकता। लाडनू मैं एक तो गलियां कमाल की है सा, मैं ये जो यूनिवर्सिटी ढूंढते हुए पहुंचा है इतने में तो कोलंबस अमेरिका खोज लेता। और मेरे साइकिल के आगे मतलब कार के आगे लड़का साइकिल किया हुआ, फिर हाथ यूं किया और फिर यूं कर दिया। मैंने रोका, मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़नो कैंसिल कर दियो। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा भैया। ये मारवाड़ की माटी है, आदमी बात ही ऐसी करता है जिसका हद नहीं, उसका कमाल ही ऐसा है। अब प्यार में दिल टूट जाता है अक्सर तो क्या करते हैं लोग, वो बेचारे क्या नदी किनारे तालाब किनारे बैठ जाते हैं ऐसे पत्थर कंकर मारते हैं। तो मारवाड़ का एक लड़का बेचारा दिल टूट गया तो तालाब के किनारे बैठा हुआ, पांच सात तो मारे, इतने में एक मेंढक बाहर आ गया। अरे बोले थारी वाले ने चक्कर में मारी वाले ने मातो क्यों फोड़े है? क्या बात है ये। क्या हुआ बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? नाम धैर्य लेकिन रहा नहीं गया धैर्य धैर्य। लेकिन इनके माँ बाप को प्रणाम करना चाहता हूँ, ये होता है असली मारवाड़ी। बोला 5000 लोगों की भीड़ में फेमस होना है, चली जा बेटा देखी जाए देखिए। ये होता है असली मारवाड़ी है, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का, पैसा तेरापन समाज का, तू जा तू तो बस मिल के आता। ये देखो ये क्या बात, ये कमाल होता। लेकिन मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को यहां से प्रणाम करना चाहता हूँ, जब काठमांडू के अंदर धर्म का डंका बजाने जा रहे हैं। इस वक्त विहार पे हैं लगभग महाश्रमण जी और पहुंचने वाले हैं अभी तो काठमांडू या बॉर्डर पे ही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले वर्ष और कुछ वर्ष पहले भी जसोल उनके दर्शन करने गया था,
और उसके पहले भी मैं उनके दर्शन कर चुका हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन यकीन मानिए कुछ कड़वी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ करता हूँ। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि मैं, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जैन माँ की कोख से जन्म लिया। मैंने कहा मैंने जैन माँ की कोख से जन्म लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जैन हूँ, मेरी पीड़ा को समझना। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं जैन हूं क्योंकि मैं जैन हो नहीं पाया। जिस दिन मैं जैन हो गया, समझ लूंगा मैं इंसान हो गया। वाह, जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है, जो शस्त्र त्यागता है वो महावीर होता है। मैं जैन नहीं हो पाया। मेरे लिए धर्म का अर्थ ये नहीं है, यकीन मानिए मेरे लिए धर्म के अर्थ बहुत अलग है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मैं किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं कर पाया। मैं कैसा जैन, साहब बताइए मैं कैसा जैन हुआ। मुझे कई बार पीड़ा होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हम सफेद वस्त्र पहने या वस्त्र नहीं पहने। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हमारे मूर्तियों के नेत्र बंद हो या खुले हो। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि परुषण में उपवास कर लूं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं चौबियार रख लूं। जैन होने का मतलब यह भी नहीं है कि मैं जमीकंद नहीं खाऊं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आंबिल कर लूं, मैं तप कर लूं, मैं प्रतिक्रमण कर लूं। जैन होने का यह अर्थ है ही नहीं। यकीन मानिए मैं भोजनशाला में अपनी तस्वीर लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दूं और मेरे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए तो यकीन मानिए मैं जैन हूं ही नहीं। मेरा धर्म बिल्कुल अलग है। हम लोग, यकीन मानिए मैं अक्सर कहता हूं ईश्वर से कि मुझे जैन होने की ताकत दे। अगर 1% भी मैं जैन हो गया तो समझूंगा मैं इंसान हो गया, क्योंकि आज जरूरत इंसान से इंसान को जोड़ने की है। हम कितने, यकीन मानिए जो मैं कहना चाहता हूं उस कड़वाहट को समझना। आप लोगों ने बच्चों के हाथ में वो सब कुछ दे दिया जो न सिर्फ इसे धर्म से दूर करेगा, परिवार से दूर कर देगा। आज इतने बुजुर्ग यहां बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं उनको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जो मैंने सबसे अच्छी शायद कही होगी कि 21वीं तब उनको, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह। सही बात आप भी कीजिए, आप इस समाज को नेतृत्व देंगी। मुझे बताया चला है, आज जब मैं पढ़ रहा था, छाजर जी ने, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे नारी शक्ति चरित्र निर्माण के लिए इतनी बात हो रही है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। 1983 में जब मैं इतना सा था तब मेरी भाषा अलग थी, तब मैंने कविता लिखी थी कुछ पंक्तियों की जो आप लोगों को समर्पित करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक शब्द हैं तो ये पूरी भाषा है। वाह, हम एक शब्द हैं तो ये पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो यह एक अभिलाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। वाह, हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का है निर्मल स्वर, हम एक शूल हैं तो यह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग यह इसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग यह कंचन की कण का है, हम बकवास हैं यह भाषण है, हम सरकार हैं यह शासन है, हम लवकुश हैं यह सीता है। क्या बात है, हम दुनिया के हैं अंग ये उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग ये कंचन की कण का है, हम बकवास हैं ये भाषण है, हम सरकार हैं ये शासन है, हम लवकुश हैं ये सीता है, हम छंद हैं ये कविता है, हम राजा हैं ये राज है, हम मस्तक हैं ये ताज है, यही सरस्वती का उद्गम है, यही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो ये पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो ये एक अभिलाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। यकीन मानिए लोग मुझसे कहते हैं क्या आप मंच पे खड़े होकर बड़ी बातें करते हो कि समाज को जोड़ना चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए, आप क्या करते हैं, आप भी तो लाखों रुपए लेके काम करते हैं, आपने समाज के लिए क्या किया। मैंने कहा निश्चित तौर पे मैं लाखों रुपए लेता हूं, उसमें कोई शक नहीं, मैं लेता हूं, मुझे मेरी कीमत मालूम है, मैं लेता हूं लाखों रुपए लेके टेलीविजन पे शोज करता हूं, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया हुआ है। मेरी समाज सेवा बिल्कुल अलग स्तर की, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं टेलीविजन पे कोई भी ऐसा शो नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। Wow.
टेलीविजन के मैं हास्य के नाम पे हम क्या देखते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कई बार, हास्य के नाम पे हम क्या देखते हैं, एक ऐसी दादी जो हर आने जाने वाले व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो अपने शादी के लिए इतनी बेताब है कि फूहड़ मजाक करती है, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को उसके शारीरिक संदर्भों के लिए दिन भर टोकता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा बात बात पे अपने बाप के पांव छूता है। मैं एक ऐसे कार्यक्रम में काम करता हूं, क्या बात है, वाह, जिसमें एक पोता अपने दादा की उंगली पकड़ के चलता है। मैं एक ऐसे कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें सारे धर्मों के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसे कार्यक्रम में करता हूं जिसमें 10 बार हम जय जिनेंद्र बोलते हैं। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। क्या बात, वाह। हम टाइम मुझे बता ना कितनी देर एग्जैक्ट, हाँ हाँ मैं कर लूँ, बिल्कुल चिंता मत की, मैं ये चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान की माटी को मैं तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं सारी उम्र यहीं पला, यहाँ बड़ा। दिनेश ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ पाता, इसीलिए नहीं छोड़ पाता कि इस माटी की यादें इतनी कमाल की है। और आज भी मैं मारवाड़ आता हूं तो यूं लगता है कि माँ की गोदी में आ गया हूं। मैं मारवाड़ आता हूं तो यूं लगता है कि इसका आंचल मेरे सर पे है, क्योंकि अपनी धरती और यहाँ रह के भी मैं जहाँ पहुंचा वो आप लोगों की मोहब्बत और प्यार ने पहुंचाया। तब मैं कहता हूं कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। मैं बताता हूं कि हम लोग चीज क्या है। गफ्फार साहब, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। हम मारवाड़ी है क्या? हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI, मारवाड़ी की स्पेलिंग देखो, MARVADI। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI। एम से MTNL, ए से एयरटेल, आर से रिलायंस, बी से वोडाफोन, ए से एयरसेल, डी से डॉल्फिन, आई से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा भाई साहब, वाह, सुपर। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, हम चांद पे चले जाए प्लॉट काट के बेचते, हमारा तो असर ही कमाल का है। हम लोग ऐसे लोग हैं, मैं चाइना गया एक बार प्रोग्राम शेंजेन, ये संजय झाला मेरे साथ में था। अब एड्रेस पता नहीं जिसको सब चिंगबांग चू किसी को ना हिंदी समझ में आवे ना इंग्लिश। अब ये घबराने लगा संजय झाला, बोले कैसे जाएंगे, तो कोई एड्रेस ही नहीं मिलेगा, यहाँ तो आया ही नहीं कोई आ रहा। मैंने कहा चिंता मत कर, मारवाड़ी तेरे साथ है, तो चिंताएं मत कर, कहीं भी पहुंचा दूंगा। मैं चाइना के शेंजन के चौराहे पे ये पेन निकाल के खड़ा हो गया, यही वाला, और खड़ा खड़ा करता रहा, 5 रुपये का एक, 5 रुपये का एक, 5 रुपये का एक, 2 घंटे तक किया मैंने 5 रुपये का एक। 1-2 घंटे बाद एक आदमी आया, बोले भैया यहाँ हिंदी कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा बता एड्रेस। क्या बात है, वाह, ये इनडायरेक्ट तरीका। अच्छा तो नहीं, नहीं, को जो जिस ट्रैक पे निकल गया उसी ट्रैक पे। तो हम लोग तो वो हैं, तो हम कहीं से भी धंधा कर लें, चाइना क्या कहीं से भी धंधा कर लें। मेरे चाचा जी हैं मोटरसाइकिल, गप्पा सुनना, मोटरसाइकिल मेरे चाचा जी हैं, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है बेचारों का, उनके वर्ड जो है वो बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाता है। एक दिन आया मेरे पास सुबह, बोले, मैंने कहा क्या, मैंने कहा क्या मोटरसाइकिल, हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ मोटरसाइकिल, बाजार जाओ तो, हाँ, तो मैंने कहा बाजार जा रहे थे तो क्या हुआ, बोले बाजार जा रहा था, रास्ते में एक गांव वाले की धोती क्लच में अटक गई, तो मैंने कहा फिर पाट गई। मैंने कही, बोले धोती। मैंने कहा फिर, बोले धोती पार्टी, मैं चाउंड लागो वो मारो, हाथ पकड़ लियो कट जावे। मैं कह क्यों, बोले धोती पटी है पैसा दे। मैं पूछियो कितना रही है, बोले 70 रुपये। मैं 70 रुपये दिए, अब वो जाने लगा, मैं हाथ पकड़ लियो कट जावे। बोले क्यों, बोले पैसा दिया धोती दे। क्या बात है भाई साहब, वाह, बोले 700 देन गयो। मैं तो 70 का 700 क्यों, बोले खाली धोती जी।
तो हम लोग फटी हुई धोती से धंधा करने वाले लोग हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, अगले ने इतनी बारीक बात कर दी कि आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला, भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? निकल जाते। लेकिन मैं आपकी युवा पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूं और आप माँ बाप से कुछ कहना चाहता हूं। इस युवा पीढ़ी को जिस राह पे ले जाना चाहिए वहां ले जाइए। यकीन मानिए, मैं इनको देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता, दुख इसलिए होता है कि आप सब लोगों के पास सुविधाएं बहुत है। हम लोगों ने वो सब कुछ दे दिया जो आपने नहीं मांगा। लेकिन ये जो पीढ़ी संस्कृति से दूर होती चली जा रही है, तब मन में बहुत पीड़ाएं होती हैं। आज की पीढ़ी के बच्चों, कई बार मुझे लगता है घर में जाओ उसको कुछ 36 रुपया, 36 मीन्स जी करता है एक निकाल के 36 तक गिन के बताऊं कि 36 मीन्स क्या होते हैं। कमाल के बच्चे हो गए। अभी वहां पे मैं ठहरा, सारे बच्चे आ गए, बाकी तो सब तो ऑटोग्राफ मांग रहे। एक बोला कागज है कागज भी मेरा, पेन भी मेरा, ऑटोग्राफ भी मेरा। ये होता है मारवाड़ी की औलाद, मतलब कमाल के लोग। लेकिन ये जो बच्चे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, यकीन मानिए संस्कृति से दूर होने का मतलब है परिवार से दूर होना, देश से दूर होना, मुल्क से दूर होना। मैं अक्सर कहता हूं मित्रों, गांव में जब कोई एक बुजुर्ग का देहावसान होता है ना, तो एक बुजुर्ग कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। क्या बात? आगामी 20 सालों में हमें ये वस्त्र नहीं दिखेंगे। अगर आप यकीन मानिए, मैं बस ये कहना चाहता हूं, आपको बार बार कहता हूं, आप गुजरात में रहते हैं, अपने बच्चों को गुजराती जरूर सिखाइए क्योंकि वो वहां की भाषा है। हिंदी वो बोलेंगे या अंग्रेजी उन्हें आती है, स्कूलों में सिखाई जाती है। महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी जरूर सिखाइए क्योंकि बड़ी खूबसूरत भाषा है और वहां काम करते हैं। बंगाल में रहते हैं, बांग्ला सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। क्या बात, हमारी भाषा भूली नहीं जानी चाहिए, हमारी भाषा जिंदा रहनी चाहिए। ये भाषा बची रहनी चाहिए क्योंकि भाषा नहीं बचेगी तो मुल्क नहीं बचेगा। कल आपकी एक बहुत बड़ी मैराथन है सुबह 8 बजे, मैं चाहता हूं कि उसमें आप बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लें। मेरी भी इच्छा थी कि मैं रुकूं, मैं हिस्सा लूं, लेकिन सुबह मुझे जाके शूटिंग करनी है मुंबई, इसलिए मैं जाऊंगा, कमिटमेंट है, जाना पड़ेगा। ये तो आपका प्यार है, मोहब्बत और आशीर्वाद पाने इस धरती का मैं आया, लेकिन उस मैराथन में जरूर हिस्सा लें और मेरी ओर से हिस्सा लें, ये समझ के दौड़ें कि मैं भी आपके साथ दौड़ रहा हूं। ये एक सबसे बड़ी चीज होगी और ये एक सबसे बड़ा, और ये जो चरित्र निर्माण इस धरती पे हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं लगता। मुझे इससे ज्यादा सुखद इसलिए कुछ नहीं लगता क्योंकि मैंने वो संस्कृति पाई है मेरे माँ बाप से, कि आज भी जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं तो हमारी नजरें झुकी रहती है। आज भी शैलेश टोडा दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो गए होंगे, लेकिन उनके सवाल सामने मेरा कोई सवाल नहीं होता। उन्होंने जो आदेश दे दिया वो आज भी मैं पूरा करता हूँ, और आज भी होंगे शैलेश टोडा कितने भी बड़े स्टार। अभी रात को 1 बजे भी मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा तो सबसे पहला फोन मेरी माँ को करूंगा कि मैंने कार्यक्रम पूरा कर लिया और अब मैं वहां जा रहा हूँ। मेरे दिन की शुरुआत उनकी बातचीत से होती है, दिन का अंत उनकी बातचीत के साथ होता है। शारीरिक रूप से हम भले दूर रहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि ये संस्कृति रहनी चाहिए। हमें मांगना कहाँ होता है, मांगते कहाँ? एक आदमी था ईश्वर के दरबार में जाके खूब रोता और कहता मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, उसे कुछ नहीं मिलता था। एक दिन वो चिल्ला पड़ा, रोने लगा, हमें मांगना कहाँ चाहिए? उसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूं। ईश्वर को कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह। तब अंत में मैं कविता ऐसी सुना के जाना चाहता हूं, और इसलिए सुना के जाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये बेटियां यहां बैठी है और इनके बेटियों के पिता यहां बैठे हैं। मेरे पास आज सुनाने को इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अब इधर से थोड़ा सा पुलिस वाले भाई साहब, सम्मान करता हूं, बहुत सचमुच में बहुत सम्मान करता हूं। हम लोग होली पर रंग खेलते हैं, लेकिन ये अपने परिवारों को छोड़ के सड़क पर रहते हैं इसलिए क्योंकि हम होली खेल सकें। हम लोग दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के हमारे साथ खड़े रहते हैं ताकि हम पटाखे जला सकें। हम लोग किसी भी त्यौहार पे, इसलिए पुलिस वाले जब जो कुछ मांगे चुपचाप दे दो। नहीं, ये जोक्स अपार्ट, सचमुच सचमुच मैं खाकी वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे बहुत मित्र हैं,
और मैं इसलिए भी सम्मान करता हूँ कि हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, इसकी वजह से इन्होंने अपनी मुस्कुराहट त्याग रखी है। मैं आपका सचमुच बहुत सम्मान करता हूँ। आइए, मैं एक कविता ऐसी सुना के जाना चाहता हूँ जो आज मेरे पास इस प्रांगण में इससे बेहतर सुनाने को कुछ नहीं है। सुनाना मैं स्वागत है, इसलिए नहीं है, जैसा मैंने कहा कि बच्चे जो हमसे चाहते हैं वो हम उन्हें देते नहीं, और जो हम उन्हें देते हैं वो हमसे चाहते नहीं। आखिर हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या देना चाहिए? एक कविता मैंने क्यों लिखी, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्या घटना सुनाता हूँ जिसकी वजह से इस कविता का निर्माण हुआ 3 साल पहले। आप जानते हैं टेलीविजन शो करने में हमें हर रोज 8:30 बजे आपके सामने आना होता है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हमें 8:30 बजे वहाँ मिलना है। हम बीमार हों, हमें काम करने की इच्छा नहीं हो, हमारा मूड नहीं हो, हमें करना पड़ता है क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम रोज़ वहाँ मिलेंगे। लेकिन एक डेली शो वाले की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसके पास सब कुछ होता है, समय नहीं होता। और एक समय ऐसा था 3 साल पहले जब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब, नुक्कड़ के शेर, न जाने कितने शोज़ करता था। मेरे पास सब कुछ था, समय नहीं था। मैं मुंबई में 24 घंटे काम कर रहा, मेरी बिटिया जोधपुर में राजमाता स्कूल में पढ़ा करती थी उस वक्त, छोटी सी बिटिया उस वक्त वो पढ़ती थी, अब तो बड़ी समझदार हो गई है, वो समझदार तब भी थी। तब मैं राजस्थान उदयपुर में एक शो करने के लिए आया। सुना माशामणि जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, इस कविता का जन्म क्यों हुआ, इन सब बेटियों को, इन सब माओं को, इन सब पिताओं को देके जाना चाहता हूँ, इससे बेहतर मेरे पास आज कुछ है नहीं सुनाने को। मैं उदयपुर एक शो करने के लिए आया, राजेश साहब तो मेरी बिटिया का मेरे पास फ़ोन आया किसी काम से, उसने अंग्रेजी में सवाल किया, वेयर आर यू, वो मुझे बब्बू कहती है, बब्बू वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। मेरे उसके संपर्क भाषा थोड़ी अलग थी, मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ, तो बोले उदयपुर इज इन राजस्थान, मैंने कहा हाँ, तो बोले आप जोधपुर आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, मैंने कहा नहीं मैं कमिटेड हूँ, मुझे जाना है क्योंकि कल शूटिंग है, सुबह मैं रुक नहीं पाऊँगा, आई हैव टू गो बैक, मैं जाऊँगा। मैंने फ़ोन रख दिया, 5 मिनट बाद उसका फ़ोन आता है और न जाने उसने कहाँ से सुना था जो उसने मुझ पर अप्लाई कर दिया। उसने अंग्रेजी में एक सवाल किया, व्हाट डू यू चार्ज पर डे, आप एक दिन का कितना पैसा लेते हैं। मैंने कहा क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे ये सवाल। बोले नहीं, अगले हफ्ते स्कूल में मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, एक बैले में हिस्सा ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देखें आके, तो क्या मैं प्रिंसिपल को कहूँ कि आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाए। यकीन मानिए मेरे पास सब कुछ था लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था। मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। मेरे पास सब कुछ था लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर बर्स की दवा की तरह या उमस पे शीतल हवा की तरह। क्या लिखूं, जितने पिता यहाँ बैठे हैं अपनी आंखों में तस्वीर उभारे, जितने बेटे और बेटियां बैठे हैं ये तस्वीर उभारे, जितनी मायां बैठी उन्हें लगे। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस पे शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। जब हम घर में आते हैं, आप कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, जब बच्चा सामने आ जाए 1 मिनट के लिए आप शांत हो जाते। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं, क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के अमर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण या जिंदगी सही जीने का आचरण। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं।